मिलिए बाउंड्री से। ये बड़े प्यारे हैं भाई, इनके सींग भी नहीं, आराम से बच्चे भी खेल सकते हैं इनके साथ। ये पोराट है भाई। अरे 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 ये मलाई फाड़ते हैं। मलाई फाड़ू जानवर है भाई। जो खाना वाना पूरा तैयार कर रहे हैं, स्पेशल रेसिपी, एक सीक्रेट रेसिपी है ये। बच्चों की आर्मी लेके मैं जा रहा हूँ सबसे महंगा वाला जो है ना जानवर देखने के लिए। इसने जो नुकसान किया ना वो बहुत है। इसने नुकसान नहीं यार, यहाँ पे हर साइज का जानवर है भाई, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है, सब खैरियत से हैं भाई। आज इस व्लॉग को हम शुरू करते हैं एक बड़े जरूरी काम के साथ जो बहुत टाइम से पेंडिंग है। वो ये है कि भाई गाड़ी की सर्विस करवानी है। गाड़ी की हालत हो रही है बिल्कुल ही खराब तरीन, यानी ये बैठने के लायक नहीं है। जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जिमल अक्सर खड़ी होती है, नीचे बैठ भी जाती है, तो कितना गंदा हो रहा है सब। तो सबसे पहले गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, उसके बाद फिर दूसरे सारे काम करेंगे। जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और गाड़ी को थोड़ी शक्ल में लेकर आते हैं। Let's go. जी भाई, गाड़ी की सर्विस वगैरह हो गई, गाड़ी हो गई साफ सुथरी और बच्चों के बैठने के काबिल हो गई है गाड़ी। मेरी भी सर्विस हो गई है भाई, मैं नहा धो के तैयार व्यार हो गया हूँ, उस वक्त मैं निकल रहा हूँ जल्दी से ऑफिस के लिए। लेकिन ऑफिस जाने से पहले बच्चा पार्टी और बेगम को ड्रॉप करना है परा के घर पे, और वहाँ पे एक छोटा सा सरप्राइज भी है। सरप्राइज क्या बल्कि बता ही देता हूँ भाई, मेरे जो साले साहब हैं अदील मियाँ जो है वो कल ले आए हैं अपना जानवर, तो जरा वो भी चेक करते हैं कि कैसे जानवर लेकर आए हैं। वैसे मैंने तस्वीरों में तो देख लिया और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, लेकिन जरा जाके चेक करते हैं सामने से कि भाई कितना दम है जानवर के अंदर। तो बस जल्दी से निकल रहे हैं और पहुंचते हैं फरा के घर की तरफ। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, मिली है बाउंटी से। बाउंटी नाम रखा है भाई इसका, बहुत प्यारा जानवर है यार माशाल्लाह। बड़ा शरीफ लग रहा है, बहुत शरीफ है भाई ये, तो है भी बड़ा प्यारा सा कलर है भाई। वैसे फुल वाइट है ये, लेकिन इसके मुंह पे जो है वो थोड़े बहुत बहुत प्यारे प्यारे ब्राउन कलर है, और उसकी जो दुम है वो पूरी ब्राउन है। ये देखा भाई, ये जो उसकी दुम है ये पूरी ब्राउन है भाई, तो बड़ा यूनिक सा कलर है। ये वाला जो भाई बछड़ा है ये अभी भी बड़े गुस्से में, मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था कि ये बड़ा अग्रेसिव हुआ था, ये अभी भी अग्रेसिव ही है। ये वाला बछड़ा भी देख रहा है कि भाई ये क्या चक्कर है, इसकी दुम पूरी ब्राउन है, ये भी यही चेक कर रहा जब से। उमर देखो, इसके सर पे लाइट भी लगी हुई है रेड कलर की, ये लाइट जलेगी जब बहुत गुस्से में आएगा ना ये, तो उसकी लाइट ऑन हो जाएगी। ये भी भाई पूरा तैयार हो के आया है, पूरा मोरा वगैरह इसका लगा हुआ है माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह भाई, हार वार भी पहन के आया था ये। बकरे भी बड़े अच्छे आ गए यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, और ये अभी भी कम है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवर आते हैं, अभी कम है, ये अभी पूरा भर जाएगा यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की। जिस तरह गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, ये गाड़ियाँ भी सारी हरी आएंगी यहाँ पे, और हर तरफ से जानवर ही होंगे। ये बड़े प्यारे हैं भाई, इनके सींग भी नहीं, आराम से बच्चे भी खेल सकते हैं इनके साथ। देखो उमर, प्यारे हैं ना। ये पोराट है भाई। अरे 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 अरे। मलाई फाड़ देगा भाई। भाई मलाइयाँ भी फाड़ दी हैं उसने जानवरों की, मुझे पता चला अभी। ये सही नहीं है ये बिनोट हुआ हुआ ये वाला जानवर। ये मलाई फाड़ता है। मलाई फाड़ू जानवर है भाई। जी भाई, निकल चुके हैं बच्चों को सबको छोड़कर, बाउंड्री साहब को भी देख लिया हमने, और मलाई फाड़ू जानवर भी आज हमने देख लिया है। बाकी भाई मौसम बड़ा जबरदस्त हुआ है, बहुत ही कोई प्यारा मौसम हुआ है ना, बादल आए हैं। लेकिन ये मुझे मौसम इस वक्त बड़ा बुरा लग रहा है, इसकी वजह ये भाई कि जब मैं गाड़ी की सर्विस करवाता हूँ, साफ करवाता हूँ, तो ये जो है ना बारिश हो जाती है। बारिश ना भी हो तो बूंदाबांदी तो जरूर होती है, पता नहीं क्या अजीब सा इत्तेफाक है। तो जो गाड़ी साफ हुई भी होती है वो दोबारा से उस पर बूंदे वगैरह गिर के ना फिर वो खराब गंदी हो जाती है। तो अभी मैं बस दुआ कर रहा हूँ कि बस मौसम इसी तरह रहे, बहुत प्यारा रहे, इसी तरह हसीन रहे। लेकिन मैं कहता हूँ बूंदाबांदी भी ना हो भाई, मतलब वरना गाड़ी दोबारा मेरी गंदी हो जाएगी। बस मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस जाते हैं, काम शाम करते हैं, उसके बाद रात में दोबारा से हम बाउंड्री से मिलने जाएंगे, और फिर देखते हैं कि क्या माहौल है, और कोई जानवर आए होंगे तो वो भी दिखाते हैं हम। Several hours later. माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। हेलो बाउंटी। हेलो
भाई फुल सर्विस चल रही है इसकी। एक दफा दोबारा से बाउंटी के पास हम लोग आ चुके हैं और बाउंटी जो है वो इस वक्त फुल अपनी कोमिंग करवा रहा है और उसको बड़ा मजा आ रहा है इस वक्त। वाह भाई वाह, वाह भाई। उमर साहब भी कोमिंग कर रहे हैं इसकी ब्रश से, फुल एंजॉयमेंट चल रही है। क्या करोगे तुम, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, ये क्या कहते हैं इसको करना, कोमिंग हो रही है। हमारे पास शेफ जाकिर मौजूद हैं इस वक्त जो खाना वाना पूरा तैयार कर रहे हैं। स्पेशल रेसिपी, एक सीक्रेट रेसिपी है ये, फैमिली रेसिपी जो सालों से चली आ रही है, जो ये अपने गाय को खिलाता है। क्या है ये दिल, छिलका और अट्टी है, क्रश हुआ चना अट्टी कहते हैं उसको। ये सारा पूरा भाई ये मिक्सचर इसका बनाया हुआ है। अब ये इसमें तो मिक्स करोगे, ये कोई आम चीज नहीं है, ये पूरी बिरयानी बन रही है। कुट्टी भूसा तिंका में ये जो स्पेशल एक पूरा मिक्सचर है भाई, ये मिक्स हो रहा है और ये बाउंटी को खिलाया जाएगा। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी गाय का नाम बाउंटी रखा है। ऐसा लग रहा है कुट्टी में जो है वो छालियां मिलाई जा रही है गाय को खिलाने के लिए। हम गुटखा मिला रहे हैं भाई हम लोग, गुटखा खाएगी गाय। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बाउंटी ने जो है वो अपनी बाउंटी खानी शुरू कर दी है। ओए होए होए, अब माशाल्लाह जिस तरह अदील ने ये पूरा खाना तैयार किया है ना, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि जो महक है ना उसके हाथों में से वो आराम से निकलेगी नहीं, बकरे के बाद निकलेगी। भाई जो मलाई फाड़ू जानवर है ना यहाँ पर, ये माशाल्लाह अभी आएगा मेरी तरफ मुझे लग रहा है। ये अभी थोड़ा सा मुझे डाउन लग रहा है, डाउन से मुराद ये कि थक गया शायद, ये बैठेगा बैठेगा, ये बैठा। अपार्टमेंट का सबसे खुराक जानवर मलाई फाड़ू, रस्सी भी तोड़ दी थी भाई इसने, मलाई भी फाड़ी है रस्सी भी तोड़ी है इसने, ये सिर्फ तोड़ रहा है फाड़ रहा है सब। भाई ये बेसिकली जो है ना चोट लगी है, ये उस कुरान जानवर ने इसको यहाँ पे मारा था। अरे भाई माशाल्लाह, ये कितना प्यारा बकरा है, इतना छोटा सा लेकिन ये इतना कोई प्यारा बकरा है जिसका भी ये भाई अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करे। कुर्बानी की बात होती है, नियत की बात होती है। इतना छोटा सा मुँह है, बहुत क्यूट है यार। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तुम इधर आओ, ये जो बॉप पाले हो तुम तो भाई हैं। और ये वाला जो बकरा, ये मैं देख रहा हूँ कि कल भी रो रहा था बड़ा और आज भी बड़ा उदास उदास है। ये देखें अभी भी रो रहा है यार, ये अभी भी रो रहा है ये बकरा। बच्चों की आर्मी लेके मैं जा रहा हूँ सबसे महंगा वाला जो है ना जानवर देखने के लिए। अरे माशाल्लाह 5 लाख का, तो बहुत महंगा। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, है जिस तरह बैठा हुआ है ना, मुझे वजन का अंदाजा हो रहा है कि ये है बहुत हैवी। घंटी वंटी भी बांधी हुई है इसने, कोई आएगा तो बैल बजा के जाएगा। हैं? अरे तुम क्यों मार रही हो मुझे जमा पीछे से? अरे अरे जिम्मा का कर लियो, हैं? मोरा पहनाओ उसको, मोरा इस बच्चे को मोरा पहनाओ। भाई इसका नाम गोल्डी है माशाल्लाह। क्या है? गोल्डी है ना ये, यार ये बहुत प्यारा है और बड़ा मासूम भी है ये। हाँ इसका कलर भी बड़ा प्यारा है, गोल्डन है ना। हाँ वो ग्रेडियंट कलर है इसका। पिछले साल आते आपको आधी का इतना बकरा मिला है। हाँ उतना बकरा था, इतनी ऊंचे बकरे वहाँ पे आए हैं जहाँ मैं आपको रेम्बो वाली जगह बता रहा हूँ ना, बोला वो उनसे चला भी नहीं जा रहा था ये। जबरदस्त, यहाँ पे हर साइज का जानवर है भाई, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल डबल एक्सेल। माशाल्लाह भाई बाउंटी माशाल्लाह से, अरे चट कर गया भाई, स्पेशल रेसिपी वाला खाना चट कर गया बाउंटी। कमेंट में लिख गए भाई बाउंटी। वो आपके दोनों, अरे भाई वाह, इसने जो नुकसान किया ना वो बहुत किया है। इसने नुकसान नहीं यार, किस वाले ने ये सब नहीं यार, ये भी हैवी है माशाल्लाह। ये दोनों आपके हैं जी, ये वाला भी है और माशाल्लाह ये वाला भी। यहाँ सारे खुराट आ रहे हैं ना, मतलब कोई गाड़ी को मार रहा है, कोई किसी दूसरे गाय को मार रहा है, डरता बहुत है, डरपोक है, किसी बकरे को मार रहा है, कोई बच्चों को मार रहा है, सब मार रहे हैं। तुम भी किसी ना किसी को मार रही होगी हैं? ये शरीफ है, शरीफ है। 2000 years later
घर आ चुके हैं भाई, जल्दी से हमने फास्ट फॉरवर्ड किया है व्लॉग को। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई, इंतहा से ज़्यादा मज़ा आया। बड़े नए नए दोस्त भी बने हमारे आज, बहुत अच्छे अच्छे हमने जानवर देखे, अच्छे बड़े हर साइज के, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज एक्स्ट्रा स्मॉल डबल एक्सएल, हर साइज का जानवर देखा हमने। बाहर लोग बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और रास्ते में जमल मैडम तो सो गई हैं, बहुत ज़्यादा थक गई थी, पौधा नहीं सो गई थी है। और उम्र भी बस बिल्कुल ही टुन टुना टुन टुन है, वो भी हो जाएगा बाहर हाल। इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बकरीद का सीज़न है, बनते रहेंगे बकरीद के ऊपर ब्लॉग्स, और इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगले ब्लॉग में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, ओवर एंड।